फाइनल गाइस आप देख सकते हैं मैं जबलपुर पहुंच चुका हूं और अभी तक गाइस मुंह भी नहीं धोया है, अभी जस्ट ब्रश ब्रश करेंगे फिर ब्लॉग को घंटी रख रखते हैं अपने देना। और बता दो गाइस यहां पर मेरा कुछ भी देखा हुआ नहीं है, अब चलते हैं गाइस हम सार्वजनिक शौचालय ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहां पर है कहां पर नहीं वो मुझे भी नहीं पता। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, तो कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो गाइस मैं जबलपुर पहुंच चुका हूं आप देख सकते हैं, और गाइस मैं नहा धोकर रेडी भी हो चुका हूं, और गाइस इससे पहले मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था गाइस जब मैं यहां पे आया था, और आप लोगों को यहाँ का थोड़ा नज़ारा बता देता हूँ। और ठीक है गाइस आप वीडियो को लाइक कर देना और बने रहना मेरे साथ बिल्कुल कंटिन्यू। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पर कार खड़ी हो जस्ट गाइस आप देख सकते हैं ऑटो में बैठ चुका हूँ मैं, अंकल जी ऑटो चला रहे हैं। तो जस्ट गाइस मैं पहुँच चुका हूँ भेड़ाघाट जलप्रपात पे, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो गाइस हम मेरे पीछे देख सकते हैं भेड़ाघाट लिखा हुआ है, जिस प्रकार का अवर जिला का लिखा हुआ रहता है। जस्ट गाइस चलते हैं झरने की ओर, आप बिना विलंब के गाइस मैं भी अब रहेंगे। फाइनल गाइस मैं पहुंच चुका हूं धुआंधार प्रताप पे, आप लोगों को दिखाता हूं बने रहे थोड़ा दूर जा करके देखते हैं बने रहे आप कंटिन्यू, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। अब चलते हैं तो जस्ट गाइस अभी मैं जबलपुर भेड़ाघाट पर बैठा हुआ हूं, आप देख सकते हैं गाइस संगमरमर के मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहां पर बहुत ही दूर है, और गाइस मैं थोड़ा दूर आ गया क्योंकि गाइस वहां पर पानी का बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो गाइस आप लोगों को यह ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, और वीडियो को लाइक कर दो गाइस, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और गाइस मैं बता दूं, आप लोग भी आए और यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य है, पूरा बिल्कुल नेचुरल है गाइस। और मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा फील और महसूस हुआ। और गाइस मैं यहाँ पर ऐसे नहीं आता हूँ कि स्पेशल, मतलब मैं पर्यटन के लिए जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरा पेपर का सेंटर आया, इसलिए मैं मतलब उसके ज़रिए यहाँ पर आ गया गाइस, अन्यथा तो मुझे भी यहाँ पर आने को नहीं मिलता। और गाइस मैं कहीं पे भी नहीं गया हूँ ऐसे पर्यटन स्थल पे, वैसे मैं गया था इधर उधर, लेकिन यहाँ पे भेड़ाघाट पे इतने, मतलब जबलपुर पास में है, इतना भी पास में नहीं है फिर भी, लेकिन यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलता है। तो क्या बताऊँ गाइस, आप भी आइए देखने के लिए, बहुत ही अच्छा है। और गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जाऊँ नहीं। गाइस आपको बता दूँ कि यहाँ पर शाम का दृश्य देखने लायक है, क्योंकि गाइस सन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चमक रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। वाओ गाइस, क्योंकि सूर्य अब अस्त होने जा रहा है गाइस। बहुत बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं गाइस यहाँ पर, बहुत ही कम मिट्टी देखने को मिलेगी आप लोगों को। और मेरा तो मन गदगद हो गया गाइस कि यहाँ से मैं जाऊँ नहीं सर। और बहुत दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं गाइस, आप देख सकते हैं उधर इतनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ ऊपर ऊपर तक यहाँ पर ये चढ़े हुए हैं गाइस। अब क्या बताऊँ आपको, आप भी आओ गाइस।